हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर संतोष यादव एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पैसिफायर। सो एक जो कॉमन क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है, डॉक्टर संतोष क्या मैं मेरे बेबी को पैसिफायर दे सकती हूँ? तो लेट्स सी, डॉक्टर संतोष ने दिया था, यस मैंने मेरे बेबी को दिया था। मैंने स्टार्ट किया था 45 डीज के अराउंड एंड उसको बंद करने की ट्राई की थी 9 मंथ्स पे एंड वो बंद हुआ था अराउंड 11 टू 12 मंथ्स पे। राइट, पैसिफायर देना या नहीं देना वो आपका चॉइस है, बट लेट्स सी उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज क्या है कि बेबी को वो सूथ करता है, डिसकम्फर्ट से रिलीव करता है, SIDS दैट इज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से प्रिवेंट करता है। राइट, डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपने पैसिफायर बहुत जल्दी लाइक विद इन अ मंथ या 15 दिन के अंदर अगर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है तो बेबी मेरा न्यूबॉर्न बेबी कंफ्यूज हो जाएगा मदर के निप्पल और ये पैसिफायर के निप्पल से एंड वो ब्रेस्ट फीडिंग लेने में आनाकानी करेगा। अगर आपने इसको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए दिया तो इसके जो टीथ्स हैं वो माल अलाइंट हो सकते हैं एंड तीसरा इंपॉर्टेंट, इसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें द मोस्ट कॉमन है मिडल ईयर इन्फेक्शन एंड सर्दी खांसी। अभी इन्फेक्शन होता क्यों है, क्योंकि बड़ा बच्चा है जो अगर पैसिफायर गिर गया वो खुद उठा के फिर मुंह में डाल देता है एंड इसके कारण इसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है, तो प्रोलॉन्ग यूज़ के लिए ये एडवाइस नहीं है। अब अमेरिकन एकेडमिक्स ऑफ पीडियाट्रिक्स क्या कहता है कि आप पैसिफाई यूज़ कर सकते हैं लेकिन जितना जल्दी आप वीन कर दें उतना अच्छा है। राइट, अब देखते हैं हाउ टू क्लीन इट या हाउ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इसको क्लीन करने के लिए आप इसको बॉयल वाटर में डिप करके, जब बॉइलिंग वाटर में उसको 3 to 5 मिनट्स रखिए एंड देन उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा हैक क्या था कि मैं 3 पैसिफायर्स रखता था मेरे पास और अगर मेरे लक्ष्य ने 6 महीने के बाद उसको गिरा भी दिया तो मैंने उसको वापस वो नहीं दिया है, हम उसको दूसरा देते थे एंड उसको हम लेबल कर देते कि दिस नीड टू बी वॉश्ड एंड हमने हमेशा मेक श्योर किया कि हम लक्ष्य को रियलाइज़ करें कि ये नीचे गिर गया एंड ये डर्टी हो गया, यू आर नॉट सपोज टू पुट इन योर माउथ एंड 8-9 मंथ में वो समझ गया था कि अगर नीचे गिर गया तो ये इन्फेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टीचिंग है पेरेंट्स कि हमेशा आप अपने बेबी को सिखाते रहिए कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। तो जब हमने 9 महीने पे इसको बंद करने की ट्राई की तो ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड कि अब पैसिफायर इज़ नॉट गुड फॉर मी, मुझे धीरे धीरे करके छोड़ना पड़ेगा एंड बाई द टाइम ऑफ 11 मंथ उसने छोड़ दिया था। अब मुझे कॉमन क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, सबसे पहला डॉक्टर आप पैसिफायर क्यों बोलते हैं? तो ये आपकी चॉइस है, ऐसा नहीं है कि आपको देना ही है या ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे सकते। माई वाइफ इज़ वर्किंग, आई एम वर्किंग, तो सम टाइम हमें लगा कि बेबी बहुत डिस्कम्फर्ट होता है या बहुत क्राई करता है तो हमने आदत डाली थी, बट जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ हमने छुड़वा दी थी। दूसरा होता है कि डॉक्टर इससे इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इन्फेक्शन का तो मैंने आपको बता दिया। एंड थर्ड एंड कॉमन क्वेश्चन आता है कि कौन सा पैसिफायर लें। पेरेंट्स, मार्केट में बहुत सारे पैसिफायर्स हैं जो अवेलेबल है, पर ब्रांडेड अगर आप पैसिफायर लेते हैं तो उससे कोई तकलीफ होती नहीं है। थैंक यू पेरेंट्स फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सी मोर दिस काइंड ऑफ वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।